योगी सरकार के मंत्री धरातल पर उतरकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आकलन करने में जुटे हुए हैं कि यह योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं या नहीं। साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जन जन को अवगत भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा कराया जा रहा है। लोगों के बीच में पहुंचकर योगी सरकार के मंत्री सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने में जुटे हुए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में संदीप सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद भ्रमण कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग का दायित्व मुझे मिला है और हमारा प्रयास है कि पिछले 5 वर्षों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने अपने जितने भी विद्यालय हैं 3 वर्ष तक हमारी सरकार ने कार्य किए हैं और 2 वर्ष तो विद्यालय बंद ही रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक विद्यालयों में हम सब लोगों ने जो कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स उसमें सुधार करने का काम किया है, आगे भी हमारा प्रयास है कि हम सब जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें। अधिक से अधिक बच्चे जो अभी शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ सके। हमने लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ तक परिषदीय विद्यालयों में हमारे छात्र संख्या पहुंचे और 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर, यह हमारा लक्ष्य जा चुका है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे तक शिक्षा, जो कि बेहतर सुविधा है प्राइवेट स्कूल में, जो शिक्षा का स्तर है वही शिक्षा का स्तर हम परिषदीय विद्यालयों में लेकर आए। काफी हद तक हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का दायित्व तो मुझे मिला है और हमारा प्रयास है कि पिछले 5 वर्षों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने अपने जितने भी विद्यालय हैं 3 वर्ष तक हमारी सरकार ने कार्य किया और 2 वर्ष तो विद्यालय बंद ही रहे, लेकिन अधिक से अधिक विद्यालयों में हम सब लोगों ने जो कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स हैं उसमें सुधार करने का काम किया है। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम सब अपने जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें, अधिक से अधिक बच्चे जो अभी शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ सकें। हमने लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ तक परिषदीय विद्यालयों में हमारे छात्र संख्या पहुँचे और 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर, ये हमारा लक्ष्य जा चुका है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे तक शिक्षा की जो बेहतर सुविधा है प्राइवेट स्कूल्स में, जो शिक्षा का स्तर है वही शिक्षा का स्तर हम परिषदीय विद्यालयों तक लेकर के आएँ और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। इस समय हमारे समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग की, वो जो निचले पायदान के रहने वाले अंतिम व्यक्ति है उनको पेंशन की व्यवस्था, उनको जो है कि बच्चों के छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ये सब जो है कि व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं और ऑनलाइन करवा रहे हैं। पहले जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो करके अब ऑनलाइन अगर 1 रुपया हमारे प्रदेश सरकार से जा रहा तो 1 रुपया उनको तक पहुंचने का काम हो रहा है। का मंडलीय समीक्षा बैठक के लिए माननीय योगी जी ने 3-3 मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं स्वतंत्र देव स्वयं हूँ, हमारे संदीप जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे संजीव जी राज्य मंत्री और सभी लोग मिलकर आज मुरादाबाद हैं, फिर रामपुर करेंगे, उसके बाद संभल, बिजनौर, अमरोहा, ये सभी जिलों की समीक्षा करना है। इसमें मात्र जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र और राज्य सरकार की, वह योजना का लाभ नीचे तक ठीक ढंग से पहुँचे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, सभी योजना का लाभ गांव गरीब किसान को उसका लाभ मिले, यही सब समीक्षा करने के लिए हम सब आए हैं। सड़कों का जाल है, विद्यालय है, पानी की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार की जो स्वच्छता है, ऐसे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से इस जनपदों में चल रही कि नहीं चल रही है उसकी समीक्षा बैठक के लिए आज हम लोग आए हैं। लेकिन हम सब का काम है गरीबों की सेवा करना, जनता की सेवा करना। गरीबों ने जो मतदान, जनता जनार्दन जो आशीर्वाद दिया है प्रचंड बहुमत का, उस आशीर्वाद के साथ हम सब गरीबों की सेवा करेंगे। सरकार और संगठन के दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे।